आज जो मैं बनाने वाली हूँ बिल्कुल नई रेसिपी, जो फुल वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट्स राइस बनेंगे, ये बहुत टेस्टफुल और अट्रैक्टिव होते हैं। इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं, मारवाड़ी या सिंधी किचन्स में इसे बना सकते हैं ये नई रेसिपी को। तो चलते हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स को बता देते हैं। सभी को पतले शेप में, लंबे शेप में काट लेना है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। चुकंदर, गाजर, फूलगोभी, शिमला मिर्च और हरी मिर्च सभी को लंबे शेप में काट लेना है। नारियल को भी लंबे शेप में काटना है। काजू, किशमिश, ये सब जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हो सभी ले लेना है और इसे रेडी कर लेना है। चलते हैं, पहले कढ़ाई को गरम कर लेना है। इसमें 4 चम्मच तेल घी डालेंगे और इसमें जीरा डालेंगे। जीरा जब ब्राउन हो जाए तो हरी मिर्च डाल लेंगे। ये देखिए, कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। ये लाइट ब्राउन होने पर इसमें फूलगोभी डालेंगे। इसे आधा मिनट तक लाइट ब्राउन करना है। इसके बाद सारे वेजिटेबल्स को डाल देना है, जो भी गाजर, चुकंदर वगैरह है सभी को डाल देना है। ये देखिए, इस तरह ब्राउन हो चुका है। और गाजर को भी डालकर चला लेना है 10 सेकंड तक। सभी को इस तरह चलाकर 10 सेकंड तक रखना है। फिर इसके बाद चुकंदर, शिमला मिर्च ये सब डालकर चला लेना है। और जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं इसे भी इसके बाद चला लेना है। ये देखिए, पहले चुकंदर, शिमला मिर्च को डालकर चलाना है। इसके बाद नारियल को भी 20 सेकंड तक चला लेना है डालकर, और सारे ड्राई फ्रूट्स को भी चला लेना है। ये देखें, ये सभी को 1 मिनट तक रखना है, 1 से 1.5 मिनट तक। ये रेडी हो चुका है और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये पतंजलि वाले अच्छे ब्रांड के चावल लेना है। ये चावल 750 ग्राम के अकॉर्डिंग है। इसे वॉश करके कंटेनर से छान लेना है और प्लेट में पंखे के हावी के पास इसे 1 मिनट तक रखना है। और एक कढ़ाई लेंगे, वही कढ़ाई को लेंगे जिसमें मसाले भुना गया था, और इसमें 4 चम्मच देसी घी डालेंगे और 1 से 2 पत्ता तेज पत्ता डालेंगे। ये देखिए, तेज पत्ता डल चुका है और इसमें धोया हुआ सारे चावल को अच्छी तरह से चला लेना है 1 से 1.5 मिनट तक। ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, तो ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल लाइट करना है। ये जब रेडी हो जाए तो पहले 5 लीटर का एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें वही गिलास से जिससे पानी मापी थी 2 गिलास पानी डालेंगे। पानी भी बराबर मात्रा में ही डालेंगे। पानी को गर्म ही रखना है, ठंडा नहीं रखना है, क्योंकि टेस्ट खराब हो सकता है। चावल भी 750 ग्राम था और मसाला भी 700 ग्राम की क्वांटिटी में था। जितना मसाला और चावल का मात्रा था उतना ही पानी डालेंगे। ये देखें, पानी डल चुका है और इसमें चावल डाल लेंगे और जो मसाले रेडी हैं उसे भी डाल लेना है। ये देखें,
और एक चम्मच बड़ी चम्मच से चीनी डालना है और हाफ चम्मच नमक डालना है, नमक ज़्यादा नहीं डालना है। और जो वेज और ड्राई फ्रूट्स रेडी किए हैं उसे भी डाल लेंगे। इसके बाद कुछ गर्म मसाले भी डाल लेना है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, ये सभी क्रश कर भी डाल सकते हैं या खड़ा गर्म मसाला भी डाल सकते हैं। इस तरह मिक्स कर ले लेना है। ये देखें, गरम मसाले को डाल लेना है और ढक्कन बंद कर मीडियम फ्लेम पे चढ़ाना है, ज़्यादा फुल और ज़्यादा लो में नहीं चढ़ाना। जब प्रेशर कुकर में सीटी मारने की चांस हो तो गैस को ऑफ कर दें। ये हमारी बनकर रेडी हो चुका है। इसे बनने में 5 से 6 मिनट का समय लगता है। मैं एक प्लेट पे निकाल कर दिखा रही हूँ, बिल्कुल खिला खिला बना है, बिल्कुल स्टिक नहीं बना है। ये देखें, आप इस तरह का घर पर जरूर ट्राई करेंगे। थैंक यू।